एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 खबरें। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ नई धान मंडी में आज मित्तल आयरन स्टोर में आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई। इससे पहले लोगों ने अपने स्तर पर ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था, इससे दुकानदार को भारी नुकसान पहुँचा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए दो दिन से विभिन्न मंदिरों में सजावट की जा रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और अनेक शिक्षण संस्थाओं में नन्हे मुन्नों को बालकृष्ण बनाने की होड़ लगी हुई है। कई माताएं तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बालकृष्ण का रूप धारण करवाने के लिए सुबह से उन्हें सजाने संवारने में लगी हुई है। भादवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लेकर असमंजस होने से कुछ लोगों ने शुक्रवार को जन्माष्टमी मना ली थी तो कुछ शनिवार को मना रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ पुलिस की गिरफ्त में आए शराबी लुटेरों की शिनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। थाना प्रभारी परमेश्वर लाल सुथार ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पवन कुमार से मारपीट करके नकदी का बैग छीनने के आरोप में गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, सोनू और गुरसेवक के साथ साथ लखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पवन कुमार की रैकी कर सहारना वाली मार्ग पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों से बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक के पेड़ से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नाथावली थेड़ी के निवासी तासिम बीती रात बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में गंगागढ़ थेड़ी के निकट बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल तासिम को हनुमानगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां आज सुबह तासिम ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में 10 आरएएस अफसरों का प्रमोशन कर दिया गया है। ये आरएएस अधिकारी अब आईएएस बन गए हैं। कार्मिक विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार चित्रा गुप्ता, अतर सिंह नेहरा, आराधना सक्सेना, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी, करण सिंह, परमेश्वर लाल, महावीर वर्मा, विश्राम मीना, ओपी बुनकर, के एल स्वामी को आरएएस से आईएएस बना दिया गया है। इनमें से विश्राम मीना जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ओपी बुनकर श्रीगंगानगर में यूआईटी सचिव के पद पर रह चुके हैं। श्रीगंगानगर छात्र संघ चुनाव में 9 महाविद्यालयों में अब 69 प्रत्याशी मैदान में हैं। नाम वापसी के दौरान कल 3 कॉलेजों से 7 उम्मीदवार मैदान छोड़ चुके हैं। 3 महाविद्यालयों में छात्र संघ के 14 पदाधिकारी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शेष प्रत्याशियों के लिए 27 अगस्त को मतदान होगा। मतगणना अगले दिन होगी। चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशी साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहे हैं। सभी ने कॉलेज से मतदाताओं के घर तक जनसंपर्क अभियान चला रखा है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जयपुर स्थित उच्चाधिकारियों से बात की और उनसे आग्रह किया कि मटका चौक मल्टीपर्पज स्कूल में हॉस्टल का निर्माण करवाया जाए, ताकि विद्यार्थियों को वहां आवास की व्यवस्था भी मिल सके। इसके अलावा ओवरब्रिज से लेकर मीरा चौक और यहां से सीधे एसएसबी रोड चौरी पुल तक सड़क निर्माण की मांग रखी। विधायक गौड़ ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता से भी इस संबंध में वार्ता कर शीघ्र कार्य करवाने को कहा। सागर शहर के जनरल मार्केट में स्थित डेयरी में बीती रात चोरी हो गई। अज्ञात चोर ताला तोड़कर नकदी चुरा कर ले गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार बीती रात एक युवक मुंह पर नकाब पहनकर डेयरी के शटर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर ने डेयरी से 6000 रुपए की नकदी चुरा ली। जैसलमेर के रामगढ़ में मजदूरी करने वाले एक बुजुर्ग की बस में यात्रा के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त करने के बाद परिजनों से संपर्क करते हुए शव को सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है। एसआई मोटाराम ने बताया कि मृतक की पहचान निर्मल सिंह के रूप में हुई है। निर्मल सिंह जैसलमेर के रामगढ़ में एक परिवार के पास नौकरी करता था। वो कई दिनों से बीमार चल रहा था। ऐसे में हिसाब करवा कर अपने गाँव जाने के लिए रामगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली बस में बीती रात सवार हो गया। आसिफ अनूपगढ़ में सवारियां उतारने के बाद परिचालक ने सीट पर बेसुध पड़े निर्मल सिंह को संभाला तो वो मृत पड़ा था। अब अगर स्वास्थ्य विभाग किसी जिले में खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थों का नमूना लेता है और वो नमूना जांच में फेल हो जाता है तो संबंधित दुकानदार फर्म के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से ही दी जाएगी। सीएमएचओ से मंजूरी मिलने के बाद मुकदमा चलाया जा सकेगा। प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने पूरे राज्य में ये नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके अनुसार अब उन्हीं जिलों के सीएमएचओ या फिर वहां पद स्थापित संयुक्त निदेशक ही अभियोजन की अनुमति देंगे जहां से सैंपल लिया गया हो। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।